होगा होगा, एक मिनट, यही। हेलो आई नो से सलाम जैकी बंदे का नाम, वेलकम टू माय चैनल इनसेन जैकी। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, मेरी माने तो सब सही है ब्रो। और आज ये सब क्यों हो रहा है? ये गॉगल, ये स्टाइल, ये हाथों में से हवा की आवाज, ये क्या है? ये रजनी सर के सिंबल है जो इन 45 सालों में उन्होंने बनाए। मैं आपको बता दूं कि रजनी सर को हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में पूरे 45 साल। इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं रजनी सर का फैन ही नहीं, मैं रजनी सर का बहुत 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 बड़ा वाला भक्त हूँ, और इसलिए रजनी सर की फोटो हमेशा अपने पास रखता हूँ। अंडरस्टैंड, मेरे डेस्क पे रजनी सर की फोटो हुआ करती थी। मेरा अलग सा अफेक्शन रजनी सर के साथ रहा है। और ये कब शुरू हुआ, इसकी स्टोरी मैं आज अपने व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बचपन में एक फिल्म देखी थी मैंने, गिरफ्तार, और गिरफ्तार देखने के बाद मैं रजनी सर का फैन बन गया। और उस मोमेंट को मैंने रिक्रिएट किया कि क्या कुछ हुआ था, आप जरा देखिए। ये एक्शन सीन जब मैंने देखा था, रजनी सर गुंडों के ऊपर से ऐसी छलांग मार के आते हैं, ऐसा उनका सिगरेट वो हवा में फेंकते हैं, और गोली निकाल के जो मार के मुंह में सिगरेट पकड़ा, अपन हो गया रजनी सर के फैन। और उस समय से मैं उनकी स्टाइल ना थोड़ा बहुत कॉपी करना चालू कर रहा था। अभी जाके वो स्टाइल कॉपी हुई है। हा, 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 हा। सब सही है। बचपन का ये प्यार इतना बड़ा कि जब मैं बड़ा हुआ ये अफेक्शन और बढ़ता गया। मेरे सपने में अगर रजनी सर आते थे तो मैं क्लास में चॉकलेट्स बांट दिया करता। रजनी सर बड़े चूजी है फिल्म के मामले में, कुछ कुछ फिल्में करते हैं, तो मेरे सपने में आते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब उनका बर्थडे आता है 12 दिसंबर को, तो मैं बहुत बड़ी पार्टी करता हूँ। मतलब मैं जब ऑफिस में रहता था तब सारे लोगों को खाना खिलाना, उनका बर्थडे केक काटना और सबको उसमें इन्वॉल्व करना। और खुशी की बात ये थी कि लोग मेरे खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे, शामिल होते थे, लोग लुंगी पहन के आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तलबा, हैप्पी बर्थडे। रजनी सर की हर एक मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना अपना काम है। हर एक मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, और मेरा ये मानना है, एक मैंने यूनिवर्स को एक मैसेज भेजा है, एक ना एक दिन मैं रजनी सर से मिलूँ। और रजनी सर से मिलके उस दिन क्या होगा मैं नहीं जानता, वो एक अलग मोमेंट होगा। लेकिन जब मैं मिलूंगा शायद मैं रो दूं, और तब मैं उनको कहूंगा कि सर मैं हूं आपका दुनिया का सबसे बड़ा फैन। तो मैं ये सोचता हूं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं रजनी सर और मेरी एक मुलाकात तो जरूर होगी, और वो मुलाकात मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मुलाकात होगी। तो रजनी सर हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, हमेशा। 70 ईयर की उम्र में इतना एनर्जी रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है। बड़े बड़े एक्टर्स भी रजनी सर के बारे में क्या कहते हैं, शिवाजी राव गायकवाड़, ये अलग पर्सनैलिटी, लेकिन ये जब स्क्रीन पे आते हैं ये बन जाते हैं दी रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत। देखिए रजनी सर को जब मैं देखता था, जब सेट पे आते थे तो आपको लगेगा कि कोई सेंट आ रहा है, यू नो, ज़ेन स्पेस। और जैसे ही वो कपड़े पहनते हैं, जैसे ही मेकअप करते हैं, सडनली देयर इज द सुपरस्टार दैट अराइज़ेस। इसलिए मैं रजनी सर का बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, और रजनी सर को आज 45 ईयर्स हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि और 45 ईयर्स रजनी सर की मैं मूवीज थिएटर में देखूं और जिंदगी में एक बार मिलूं। रजनी सर, अगर आप तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो आई लव यू सो मच। आई एम नॉट योर फैन, आई एम योर भक्त, और मैं ऐसे ही रहूंगा। भलाई हुआ रजनी। अभी जाके वो स्टाइल कॉपी हुई है, कॉपी हुई है।